तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण पूर्व अफ्रीका के देश है। देश का नाम जो है मोजाम्बिक। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है मोजाम्बिक। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा। हाँ दोस्तों, वो देश की जो है नेशनल फ्लैग आपको नजर आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश जो है मोजाम्बिक और वो देश है दक्षिण पूर्व अफ्रीका के एक देश है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम जानते हैं वो देश के साथ इंडिया का संपर्क क्या है और वो देश कहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से वो देश कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल में पहली बार देश को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन बन जाएगा, कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देश जो है कहाँ पर है। और ये जो देख रही हो हमारे इंडिया नज़र आ रहे हैं ना। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश के उत्तर में जो है तंजानिया और मालावी, और वो देश की जो है पश्चिम में और दक्षिण में जो है जिम्बाब्वे और एश्वातिनी। हाँ दोस्तों, और उत्तर में और एक देश जो है जाम्बिया भी मौजूद है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो देश की जो है कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ जहाँ है उसका लोकेशन देख के मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है उसका लोकेशन देख के मैं आपको दिखा रही हूँ वो देश, देश का नाम जो है मोजाम्बिक। हाँ दोस्तों, मोजाम्बिक की कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये देश की जो है कुछ छोटे छोटे द्वीप भी इस देश में मौजूद है। और दोस्तों ये देश की जो राजधानी जो है मापुतो। हाँ दोस्तों, वो देश की जो राजधानी जो है मापुतो, वो देश की जो है राजधानी, आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर जो है वो देश की सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे ज़्यादा लोग भी रहता है। तो दोस्तों इस देश में एक ब्रिज है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए वो ब्रिज मैं आपको दिखाऊंगा, साइड में आपको नज़र आएगा वो ब्रिज। और वो ब्रिज जो है कुछ अलग तरीके से ब्रिज, मैं आपको गूगल मैप की मदद से मैं आपको ध्यान से बारीकी से मैं दिखाऊंगा वो ब्रिज जो है कुछ अलग तरीके से। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है पुल बिल्कुल नदी के किनारे मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो है वो ब्रिज। हाँ दोस्तों, मैं आपको गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए ये जो ब्रिज, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, मैं आपको ब्रिज दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, ये जो ब्रिज जो है कितने दूर से आया है, और यहाँ पर समुंदर के ऊपर होते हुए यहाँ पर जो है समुंदर के इस पार चला आया। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा समुंदर की इस पार ये ब्रिज चला आया। देखा, हाँ दोस्तों, बिल्कुल बीच में जो है कोई भी यहाँ पर जो है कह सकते हो ये ध्यान दे। अब ये साइड में देख लीजिए, यहाँ पर जो है कितने सामान रखा है। देखा, हाँ दोस्तों, ये ब्रिज से एक जगह से एक जगह जाने के लिए, आप ध्यान से देख लीजिए, पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने, यहाँ पर देख लीजिए शहर आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, वो देश की जो है राजधानी मापुतो में। देखा, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग भी रहता है। भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर जो है पोर्तुगीज जो वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा शांगा, चेवा, स्वाहिली वो देश की जो है भाषा है। हाँ दोस्तों, और चेवा जो है इससे जुड़ी हुई सब के और भी भाषा मौजूद है इस देश में। हाँ दोस्तों, इस देश में मौजूद है। और इस देश के धर्म की बात करें तो ये जो है क्रिश्चियन शैमो देश है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है क्रिश्चियन शैमो देश है। देश का सबसे बड़ा धर्म भी यही है जो क्रिश्चियन। हाँ दोस्तों, और ये देश की राजधानी में आपको दिखा रही थी यहाँ पर देख लीजिए, मापुतो आपको नजर आ रहा है। और ये जो है उस देश की आप ध्यान से देख लीजिए एक जगह है। देखा, हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर क्रॉसिंग साइट, रोड क्रॉसिंग आपको नजर आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो देश की राजधानी में मौजूद है। हाँ दोस्तों, वो देश की राजधानी में जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, ये जो पार्किंग ये देख लीजिए, राजधानी में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मापुतो में जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आएंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको रनवे दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको नजर आ जाएंगे रनवे। देखा, हाँ दोस्तों, और वो देश की जो राष्ट्रपति जो है फिलिपे मेसी, वो देश की जो है राष्ट्रपति, और वो देश के जो प्राइम मिनिस्टर और पीएम कह सकते हो कार्लोस आर्गोस्टिनो होदो और राजियो। हाँ दोस्तों, कार्लोस आर्गोस्टिनो होदो राजियो वो देश की जो है पीएम या कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं वो देश की जो पार्किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, यहाँ देख लीजिए रनवे आपको नजर आ रहा है। देखा, तो दोस्तों वो देश के हम जीडीपी की बात कर रहे थे, यहाँ पर 15.372 बिलियन वो देश की जीडीपी है। हाँ दोस्तों, वो देश की जीडीपी है। और वहाँ पर कॉल करने के लिए आपको जो है एक कोड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कॉल नंबर क्या है कि वो जो है +258 जो इंडिया में +91 है। तो दोस्तों ये देखा वो देश की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर जो कितने सारे
है, यहाँ पर प्लेन खड़ा है, आपको नजर आ रहा है, देखा? हाँ दोस्तों। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है? पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है अफ्रीका के कौन से हिस्से में वो देश आपको नजर आ रहा है, देखा दोस्तों, कौन से हिस्से में आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये देश में जो है ज्यादातर लोग जो है मर जाता है एड्स की वजह से। हाँ दोस्तों, एड्स से जो है ज्यादातर लोग यहाँ पर मर जाता है। और ये देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की एक सदस्य है, जो भारत भी इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की एक सदस्य है। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है और एक संस्था की सदस्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक जो कह सकते हैं सदस्य है, जो इस्लामिक सारे इस्लामिक स्टेट की एक जो है कह सकते हो संगठन है, जो OIC नाम से भी पहचानता है सब लोग। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ द्वीप नज़र आ रहे हैं। हर द्वीप में जो है यहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है। हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट है आपको नज़र आएंगे, देखा? हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक एयरपोर्ट आपको नज़र आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है विश्व का 36 नंबर पे आता है बड़ा देश की लिस्ट में। हाँ दोस्तों, विश्व का बड़ा देश की लिस्ट में जो है ये देश 36 नंबर पे आएगा। और ये 36 नंबर पे जो आता है इस देश की जो है, अगर हम आयतन की बात करें तो यहाँ पर 3.09.475, हाँ दोस्तों 3.09.475 वर्ग किलोमीटर वो देश की आयतन है। हाँ दोस्तों, वो देश की आयतन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा वो देश की जो है कुछ यहाँ पर एयरपोर्ट आपको नजर आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये देश की एयरपोर्ट नजर आ रहे थे। दोस्तों समंदर के बिल्कुल साइड में जो है ये देश की एयरपोर्ट है। और समंदर की बात आया तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो देश में जो है 5 सबसे बड़ा नदी है। हाँ दोस्तों, 5 सबसे बड़ा नदी है और 4 जो है वो देश की सबसे बड़ा ह्रद है। हाँ दोस्तों, 4 जो है सबसे बड़ा ह्रद है वो देश की। तो दोस्तों वो देश और इंडिया कहाँ पर है? तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो देश और इंडिया आपको नजर आ रहा है, जो अफ्रीका और एशिया की दो देश, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा? हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, देखा? तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है 700 से ज़्यादा पक्षी की प्रजाति इस देश में मौजूद है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर 700 से ज़्यादा प्रजाति की पक्षी यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर कह सकते हो रिकॉर्ड भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो है अफ्रीका की एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतने ज़्यादा प्रजाति के यहाँ पर पक्षी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देश आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये देश की अलग हिस्से में जो है कुछ द्वीप है छोटे छोटे, जो मैं आपको बताया था, ये देख लीजिए आपको नज़र आ रहा है वो एक द्वीप में जो है यहाँ पर एयरपोर्ट भी आपको नज़र आएंगे, जो यहाँ पर सामूहिक यहाँ पर एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, देखा? हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है एक छोटा द्वीप है। तो दोस्तों इस देश में जो है महिला दिवस पालन किया जाता है। फुटबॉल इस देश का जनप्रिय एक खेल है। और जो है इस देश में जो है महिला वॉलीबॉल एक कह सकते हो टीम है। और यहाँ पर अंतर्जातिक यहाँ पर जो है क्रिकेट खेला जाता है, ये यहाँ पर एक टीम मौजूद है इस देश में। हाँ दोस्तों, इस देश में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए इस देश की नेशनल एंथम क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वो देश की नेशनल एंथम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पर इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो है 3,20,00,000 इस देश की जो है पॉपुलेशन। इस देश की जो सिटी जो है यहाँ पर देख लीजिए, मापुतो वो देश की राजधानी आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है पोर्तुगीज ये देश की जो है कह सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियन इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर रहता है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की देख लीजिए प्रेसिडेंट आपको नजर आ रहा है, इस देश के प्रेसिडेंट जो मैं आपको बताया था, देख लीजिए फिलिफोर्निया से आपको नजर आया था वो देश के जो राष्ट्रपति। और ये देख लीजिए और इसकी प्राइम मिनिस्टर चला गया है। ये देख लीजिए वाटर की बात करते तो 2.2% और इसकी पानी। और GDP की बात करते तो 43.263 बिलियन और इसकी जो है GDP। और यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +258 इस की कॉलिंग कोड। यहाँ पर ये जो इंडियन रहता है 80,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है, देखा? हाँ दोस्तों, इंडियन रहता है। तो दोस्तों वो देश की भाषा जो है शांगा, वो देश की एक कह सकते हो ऐसा भाषा जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर यूज करता है। तो दोस्तों इसके दो मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये जो देखा वो देश के दो मैप, कौन कौन से राज्य आपको नजर आ रहा है और कुछ कुछ ऐसा हिस्सा जो समुंदर में है। हाँ दोस्तों, जो समुंदर में है। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो देश में जो है एक था कह सकते हो एक तूफान आया था, जो तूफान का नाम जो है इदाई, वो देश के एक तूफान आया था जो 2019 में एक तूफान। हाँ दोस्तों, 2019 में एक जबरदस्त तूफान आया था जो इदाई, वो देश की एक तूफान। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, देखा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो देश के साथ इंडिया का संपर्क कहो तो वो देश में जो है अगर कायला निकलने के लिए इंडिया जो है वो देश को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। और वो देश में जो है ज़्यादातर
समुद्रिक डाकू या कह सकते हो समुद्र में जो है डाकू होता है, वो देश को पकड़ने के लिए भारत बहुत मदद किया है। भारत की नौसेना वहाँ पर मौजूद है जो समुद्रिक डाकू को कह सकते हो वहाँ पर छुड़ाने के लिए बहुत जगह पर यहाँ पर बहुत देश के जहाज छुड़ाया है भी भारत। हाँ दोस्तों, और एक जबरदस्त तूफान आया था, उस तूफान में जो है बहुत सारा लोग जो है यहाँ पर कह सकते हो लापता हो गया था, और भारत जो है वहाँ पर गया था, भारत की नौसेना तीन ऐसा जो कह सकते हो नौ जहाज वहाँ पर गया था, और जाने के बाद जो है 192 हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश में जो कुछ लोगों को इंडिया ने जो है बचाया है, और कुछ लोगों को जो है 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है खाना पानी और चिकित्सा शस्त्र वहाँ पर दिया गया है। हाँ दोस्तों, और उस देश की हाई कमिश्नर जो है दिल्ली में है, और हमारी हाई कमिश्नर जो है वो देश की राजधानी मापुतो में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ मुझे अम्बिक के संपर्क के सब कुछ एक एक करके, लेकिन प्लीज़ दोस्तों और भी देश के संपर्क आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।